कटिहार जिले वासियों के लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान है और पैसे के कारण अपना इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे बीमार लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके इलाज के लिए केरल की संस्था फोकस इंडिया ने एक विशेष अभियान शुरू किया है। इस फोकस इंडिया का चलता फिरता मोबाइल अस्पताल कटिहार आ रहा है। इस चलते फिरते अस्पताल में उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध है। यह मोबाइल क्लिनिक सह अस्पताल कटिहार के विभिन्न प्रखंडों के गांव-गांव में जाकर लोगों का मुफ्त इलाज करेगा। जी हां, बिल्कुल मुफ्त। आज इसी अभियान को मनिहारी की नीबा पंचायत में मनिहारी एसडीओ कुमार सिद्धार्थ द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि एवं संस्था से जुड़े लोग भी मौजूद थे। फोकस इंडिया की तरफ से एक एनजीओ है जिसकी तरफ से यहाँ का एक सालों से काम छोटे छोटे बच्चों के लिए चल रहा था। आज इन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। ये चलता फिरता मेडिकल का चलता फिरता क्लिनिक है, मोबाइल क्लिनिक है, और ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं फोकस इंडिया को, पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कैसे रिमोट एरिया रीमा जैसे गांव जहां पे हेल्थ की सुविधा की कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ ये गांव नहीं पूरे एरिया को देखिए, पूरे कटिहार के रिमोट एरिया जो विलेज एरिया देखिएगा तो सब जगह यही हालत है। कहीं भी सरकारी तौर पे जो उनका व्यवस्था होना चाहिए था नहीं है। ये कहीं ना कहीं अभी आए थे सरकार के एसडीएम साहब आए थे, ये लोग बहुत की तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सरकार की तरफ से क्या है एक बड़ा सवाल है। सौगात मिल रही है जो की जैसे केरला से टीम आई है इन फोकस की, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। निमा में करीब लोगों को मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एक मेडिकल वैन है जिसमें मेडिकल फैसिलिटी सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे जिला के लिए। हमारे ऐसे सुदूर गाँव में अगर इस तरह की फैसिलिटी मिलती है तो ये हमारे लिए ही सौभाग्य की बात है, और लोगों को काफ़ी इससे लाभ मिलेगा, लोग लाभान्वित होंगे। और जैसा कि इन्होंने 50 बच्चों को भी चिन्हित करके रखा हुआ है जिन्हें कि हार्ट डिजीज़ हो तो उनके हार्ट का भी ऑपरेशन किया जाएगा, और इन सब के लिए मैं इन्हें बहुत ही दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरा जो नीमा ग्राम के जो ग्रामीणवासी हैं उन्हें भी मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि केरला की जो इन फोकस की टीम है, जो एनजीओ की टीम है, वो आपके गाँव में आई है, आपके लिए काम कर रही है, बहुत ही सौभाग्य। हम आपको बता दें कि फोकस इंडिया का यह चलता फिरता अस्पताल जिले के कई प्रखंडों का दौरा करेगा, खासकर 6 प्रखंडों का। इन 6 प्रखंडों में मनिहारी, अहमदाबाद, मनसाही, प्राणपुर, हसनगंज और कोढ़ा प्रखंड शामिल है। फोकस इंडिया द्वारा जल्द ही एक मोबाइल नंबर जारी किया जाएगा जिस पर फोन कर आप इस अस्पताल से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और अपना नाम लिखवा सकते हैं। आयोजकों ने हमारे मनिहारी संवाददाता एसके साजन को यह भी बताया कि फोकस इंडिया का यह मोबाइल अस्पताल केरल से रवाना हो चुका है और कल 22 अक्टूबर मंगलवार शाम तक मनिहारी पहुंच जाएगा। एक्चुअली वी आर स्टार्टिंग द वर्क हियर सिंस 2016। हम अभी 4 स्टेट में हमारा काम चालू है। फोकस इंडिया के फोकस ऑन एजुकेशन में, शिक्षा में, वो शिक्षा के साथ हम लेवलीहुड है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और कपड़ा है, और घर बना रहा है, ऐसा है। अभी तक हम 229 घर बनाया इस 4 स्टेट में, एंड 405 ट्यूबवेल वाटर प्रोजेक्ट दिया था। ऐसा छोटा छोटा काम है लेकिन हमारा मकसद एक ही है, ये पिछड़ों लोगों के तरक्की करना चाहिए। केरल में बहुत ज़्यादा आदमी एजुकेटेड है लेकिन वो एजुकेटेड का सोशल बेनिफिट हमारा इंडिया के पूरा जगह में मिलना हम चाहिए। हम मैम एक कॉलेज प्रोफेसर है, गवर्नमेंट का सरकारी का नौकरी है, टीचर है, लेकिन ऐसा मेरा तरफ एक टीम है फोकस इंडिया मेंबर्स का ड्यूटी, ऐसा हम नौजवानों एक ऐसा मोटिवेट करना ये पिछड़ा इलाके के तरक्की करने के काम करने के लिए। इसलिए हम बिहार से कटिहार आया, पहले 4 साल आया, इधर शुरू किया, कभी उधर एजुकेशन ट्यूबवेल ऐसा बहुत सारे काम चल रहा है। दिस दिन टुडे वी आर लॉन्चिंग द सिग्निफिकेंट एंड वेरी स्पेशल प्रोजेक्ट, वो हेल्थ प्रोजेक्ट है, मोबाइल मेडिकल यूनिट। बहुत काफ़ी दिन से जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत काम से भी जुड़ा हुआ है, तो सरकार की तरफ से सब काम का जिम्मा नहीं लग सकते हैं,
जो एनजीओ ने काम कर सकते हैं, जो गैप होता है। सबसे बड़ी बात यह है, केरल हमारा हिंदुस्तान में एक स्टेट है जो हिंदुस्तान को शिक्षा के बारे में वो दिशा दे सकते हैं, क्योंकि मोर देन 70% वहाँ से शिक्षा, और हमारा बिहार बोलिए बंगाल बोलिए सही ढंग से उस शिक्षा है कि नाम लिख सकते हैं। मास्टर डिग्री लेने के बावजूद बोले कि भाई तुमको नौकरी में लगा दरखास्त बनाओ तो नहीं बन सकते। इसीलिए पहले मेरा तो फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट की केरल वासियों को जो लेबर का काम करता है सबको फिर भी जो है एडुकेशन पहले ले रहे थे बाद में खुद सोच लेते हैं। आज हिंदुस्तान में क्या है, हम लोग आपस में लड़ाई करते हैं किसी लिए एडुकेशन मेरे बीच में है नहीं, क्या धर्म है क्या एडुकेशन है क्या है नहीं है, सब सबसे पहले प्रायोरिटी जो है हम लोग बांग्ला में कहते हैं कि स्वास्थ्य इज संपद, इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। अगर सुस्वास्थ्य नहीं मिलेगा, हमारे मिनिस्टर लोग कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो कि राज्य सरकार की बोलो, जिसको पैसा है वो बाहर चले जाते हैं, सरकार की तरफ से वो इलाज नहीं होता है तो वो इलाज इन लोग करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो गरीब बच्चा है फॉरेस्ट पीपल है इसको बारे में सोचते हैं, पैसा तो सरकार की तरफ से आता है लेकिन यूटिलाइज करने के लिए इसको तो तरीका होता है कि कैसे हम जनता का काम करें।